वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं, मैं माफी मांगता हूं। अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। मंगलवार को विधानसभा में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं और महिलाओं की शिक्षा को लेकर बात की और उसमें यौन शिक्षा को जोड़ा, वो एक विवादित टिप्पणी के रूप में देखा गया। कितना उनका वो बयान वायरल हुआ आप सभी ने देखा ही होगा। इस पर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा की मर्यादा होती है, नीतीश कुमार किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते थे। जरा वीडियो देखिए। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है, वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में घर की चारदीवारी में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है, और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहां पर वो इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे, ये तो समझना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सीधे तौर पर ओवैसी कहते नजर आ रहे हैं, विधानसभा एक पवित्र स्थान है, इसकी कुछ पवित्रता है, ये एक अभद्र भाषा थी। वे कह सकते थे कि अगर महिलाएं पर्याप्त रूप से शिक्षित होंगी तो ये तय करने में सक्षम होगी कि उन्हें कब बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे अपने शब्दों और अपने इशारों के माध्यम से वर्णित किया, जो अनुचित था। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के विधानसभा के बयान के बाद से ही सोशल मीडिया हो या फिर हो मीडिया, तमाम जगह नीतीश कुमार की किरकिरी की जा रही है। वो राजनीतिक नेता हो या फिर हो बॉलीवुड सेलेब्स, तमाम नेतागण, तमाम हस्तियां नीतीश कुमार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने इस पर अपनी सफाई दी है, माफी भी मांगी है, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए, देखिए कह लीजिए, माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन।